Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So, dear students, इस वीडियो में आज हम देखेंगे अपना गौहर इंग्लिश बुक 2 का यूनिट नंबर 1, द ब्रेव एंट्स. सो इस यूनिट को आज हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम आज देखेंगे इस यूनिट की रीडिंग और साथ हम देखेंगे अपना ओरल कम्युनिकेशन. तो आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और अब हम देखेंगे अपना वेरी फर्स्ट पार्ट, ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, से अलाउड द साउंड ऑफ द लेटर्स. क्वेश्चन इटसेल्फ आपको ये कह रहा है आपने यहाँ पे साउंड्स कहनी है, लेटर नेम नहीं कहना. यानी कि यहाँ पे अगर सबसे पहले आपको ए लिखा हुआ है तो ए इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द लेटर. हम यहाँ पे लेटर नेम नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे इसकी साउंड कहेंगे. तो आइए अब हम देखते हैं इसकी साउंड. साउंड हमारे पास क्या है, अब वन बाय वन मैं इसको रीड करना स्टार्ट करूँगी. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, से अलाउड द साउंड ऑफ द लेटर्स. ए, ड, घ, ज, म, ब, ए, ह, ख, न, ख, फ, इ, ओ, र, अ, क्स, फ, स, व, य, ख, ठ, व, ज. क्वेश्चन नंबर 2, से अलाउड द नेम्स ऑफ द पिक्चर, से द बिगिनिंग साउंड एंड मैच इट विद द रेलिवेंट लेटर. अब यहाँ पर उन्होंने रेलिवेंट लेटर का कहा हुआ है, तो यहाँ पर अब हम अपना लेटर नेम बोलेंगे. और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है हमने उसको वो जिस लेटर से स्टार्ट होती है उसके साथ मैच करना है. बटरफ्लाई, ब यानी कि बी, हाउस, एच, कार, ख, सी, बनाना, ब, बी, लेमन, ल, एल, ट्री, ठ, टी, स्पाइडर, स, एस, फ्लाई, एफ, जी. आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 4 पे, सन, एस, काइट, ख, के, कप, ख, सी, ईगलू, ई, यानी के लेटर आई. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, से द एंडिंग साउंड ऑफ द नेम ऑफ द पिक्चर एंड मैच इट विद द रेलिवेंट लेटर. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है उसका हमारे पास आखिरी साउंड क्या है और उस आखिरी साउंड को हम अपने रेलिवेंट लेटर के साथ मैच करेंगे. जैसे कि फॉक्स, यानी कि लेटर एक्स. हमारे पास पेन, जैसे कि न, यहाँ पे हमारा एन. नेक्स्ट हमारे पास है नेट, नेट, थ, थ, लेटर टी. फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रही है कैप, कैप, फ, फ, यहाँ पे हमारा आएगा लेटर पी. रैट, रैट, अगर हम रैट को देखें तो ठ, 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 अगेन एंट, एंट, ठ, ठ, अगेन लेटर टी. अब आते हैं अपने पेज नंबर 5 के ऊपर. पेज नंबर 5 पे हम आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ग्रीटिंग्स. अच्छा, यहाँ पे जब हमने ग्रीटिंग्स करनी है तो हमने क्लास में से कोई से दो स्टूडेंट्स ले लेने हैं और हमने इसको एज इट इज़ रीड नहीं करना. दो स्टूडेंट लेंगे क्योंकि हमारी ग्रीटिंग की इस एक्सरसाइज में यहाँ पर दो लड़के हैं और इसको हम एज अ रोल प्ले लेके जाएंगे. अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन एंड यू? Good morning, good morning. How are the things? I'm good,
थैंक्स। ग्रीटिंग में हम यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस, यानी कि आपने अगर किसी को सलाम करना है तो सलाम का हमारे पास रिस्पॉन्ड क्या होगा, गुड मॉर्निंग कहना है तो गुड मॉर्निंग का क्या होगा। आप अगर इसके अंदर पूछ रहे हैं हाल चाल, आप किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, हाउ आर द थिंग्स, तो उसका भी आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के इस पोर्शन में हम सबसे पहले देखेंगे डायग्राफ। जब हम डायग्राफ के बारे में बात करते हैं तो डायग्राफ से हमारी मुराद है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स एक साउंड बनाते हैं, एक आवाज़ बनाते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है हमारे पास हमारे डायग्राफ्स का। जैसे कि हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हमारी जब कॉन्सोनेंट की बात होती है तो कॉन्सोनेंट या तो बाउंसी जाएगा या तो स्ट्रेच ही जाएगा, इसी तरीके से जब हम अपने डायग्राफ्स की बात करेंगे तो डायग्राफ्स भी या तो हमारे बाउंसी होंगे या तो हमारे स्ट्रेच ही होंगे। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास जो वो है च, यानी कि जब सी और एच ये आपस में जॉइन होते हैं जो एक नई साउंड बनाते हैं उसको नाम दिया जाएगा च। इट्स नॉट च, इसको हम कहेंगे च च, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आएगी जब लेटर एस और लेटर एच आपस में मिलेगा तो वो हमारी साउंड बनाएगा श। जैसे कि आप किसी को खामोश करवाने के लिए आवाज़ निकालते हैं श, अगेन हम इसको श नहीं बोलेंगे, हम इसको शा नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे श, ठीक है। इसके बाद जब हमारा लेटर टी और लेटर एच मिलेगा तो ये हमारी दो साउंड्स निकालेगा, एक हमारी निकालेगा थ, थ की साउंड जिसको हम कहेंगे अनवॉइस्ड, और दूसरी हमारी ये साउंड निकालेगा द की आवाज़ जिसको हम कहेंगे वॉइस्ड, ठीक है जी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। Read the words with f, ch, th and sh diagraphs. Chin, there, photo, ship, shirt, phone, think, thousand, sheep, chair. जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स थे जो कि हमारे पास पिंक कलर से जिनके डायग्राफ हाईलाइट हुए हुए थे, मैंने सिर्फ वही लेटर्स जो हैं वो रीड किए हैं, वही मैंने सिर्फ वही वर्ड्स रीड किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमने सिर्फ डायग्राफ्स को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर वन पे रीड एंड सर्कल च थ एंड श डायग्राफ इन द गिवन वर्ड्स। पुश, ये जो हमारे पास लास्ट में एस एच है हम इसको सर्कल करेंगे। शेड, यस फर्स्ट में हमारे पास ये इनिशियल साउंड के तौर पर आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको सर्कल करेंगे। डिश, एन में हमारे पास सर्कल होगा। थॉट, थ थ ये हमारे पास पहले हमारा सर्कल होगा। चिन, शुरू वाला सी एच सर्कल होगा। रिच, एंड वाला सी एच सर्कल होगा। शेल, पहले वाला एस एच। पाथ, एंड में हम इसको सर्कल करेंगे। मच, लास्ट टू लेटर्स हमारे सर्कल होंगे। चेस, यस फर्स्ट टू लेटर्स। ब्रश, हमारे आखिरी टू लेटर्स। शू, यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर्स हमारे सर्कल होंगे। तो आइए अब चलते हैं पेज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। Say the names of the object that you see in the classroom. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक पिक्चर है और इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने इनमें से सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के नाम लेने हैं जो कि हमें हमारे क्लासरूम में नज़र आते हैं, साइट वर्ड्स की तरफ। जब हम साइट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो साइट वर्ड्स हमारे पास वो वाले लफ्ज़ होते हैं जिसमें हम कोई भी फोनिक्स का रूल इस्तेमाल नहीं करते। इनको रीड करते हुए हम फोनिक्स के रूल को इस्तेमाल नहीं करते, हम इनको ऑन साइट पढ़ेंगे, यानी कि हम इसको एज इट इज़ मेमोराइज करेंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 7 पे, हेयर आर सम साइट वर्ड्स, आ, द, ऑफ,
I go, you do, to and. अच्छा, ये कुछ साइट वर्ड्स थे जो कि मैंने रीड किए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और साइट वर्ड्स भी हैं. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. रीड आउट द फॉलोइंग साइट वर्ड्स. एंड कॉल, स्टॉप, फाइव, वॉज, फर्स्ट, बिग. क्वेश्चन नंबर 4. सर्कल द साइट वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस. वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई साइट वर्ड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, साइट वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो ऑन साइट हमारे पास पढ़े जाते हैं. जी, आई हैव टू फीट. यहाँ पे हम आई और हैव को सर्कल करेंगे. बर्ड्स कैन फ्लाई हाई. यहाँ पे कैन को हम सर्कल करेंगे. द गर्ल विल गो अप द हिल. यहाँ पर हमारे पास गो और द होगा. It is cold outside. यहाँ पर it और is को हम circle करेंगे. You should stop now. यहाँ पर हम you और now को circle करेंगे. A duck and a monkey jump on the bed. यहाँ पे a and और हम the को circle करेंगे. Question number 5. Reread the text and answer the following question. Question number 1 is, why did cobra hiss aloud? कोबरा क्यों इतनी ज़ोर से फुनकारा था? जी, तो इसका आंसर हमारे पास है, द कोबरा हिस्ट अलाउड बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू सी द एंट हिल देयर. वॉट डिड द एंट्स डू? एंट्स केम आउट टुगेदर एंड स्टार्टेड बाइटिंग द कोबरा एवरीवेयर. व्हाई डिड द कोबरा रन अवे? कोबरा रन अवे बिकॉज ही डिडेंट बियर द पेन. Question number 6. Read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. The ants lived near a tree. The cobra did not like ant hill. The cobra ordered the ants to लीव. इस वीडियो में हमने अपने चैप्टर को रीड किया, साथ हमने देखी उसकी ऑरल कम्युनिकेशन का पार्ट, साथ हमने देखा उसकी ग्लॉसरी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ आज लर्न भी किया होगा. तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.